मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे में कानून व्यवस्था को लेकर और माफियाओं पर एक्शन मामले में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मुख्तार अंसारी को जेल में जहर देकर मारे जाने के आरोपों पर भी बयान दिया। दरअसल बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की पिछले दिनों मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई, लेकिन मुख्तार के घर वालों समेत विपक्षी नेता उसे जहर देकर मारे जाने की बात कह रहे हैं। अभी ये मामला कोर्ट में है। मुख्तार के बड़े भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी बार बार कह रहे हैं कि मुख्तार को जेल में जहर देकर ही मारा गया है। मुख्तार की मौत को लेकर सीएम योगी ने कहा है कि मुख्तार अंसारी को मरना तो था ही। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने सैकड़ों लोगों को मारा वो कब तक बचा फिरेगा। कांग्रेस के लोगों ने तो उसको बचाने की खूब कोशिश की। सीएम योगी ने बुलडोजर एक्शन पर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद यूपी माफिया मुक्त प्रदेश घोषित होगा। इसके साथ ही माफियाओं की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलेंगे। वहां गरीब और जरूरतमंदों के लिए निर्माण कार्य होगा। सीएम योगी ने साफ कर दिया कि आगे बुलडोजर एक्शन रुकने वाला नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग पहले प्रदेशवासियों के लिए भय के प्रतीक बने थे, आज उनका सफाया हो चुका है। हमारा संकल्प शुरू से ही माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का रहा है। योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर माफियाओं के समर्थन का आरोप लगाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन माफिया और अपराधियों को वो अपने गले का हार बनाते थे, आज उनकी स्थिति खराब है। सत्ता की हनक के साथ उनके समय में जब उन माफियाओं का काफिला निकलता था तो सारे प्रोटोकॉल स्थगित कर दिए जाते थे। माफिया को पहले निकाला जाता था। सीएम योगी ने घोषणा की कि 4 जून के बाद एक तिथि निश्चित कर उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त घोषित करेंगे। सरकार की ओर से घोषणा की जाएगी कि यूपी को माफियाओं से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही माफियाओं की अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई तेज होगी। माफियाओं की ओर से अर्जित की गई पूरी संपत्ति सरकार अपने कब्जे में लेगी। सीएम ने कहा कि हमने प्रयागराज से इसकी शुरुआत कर दी। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की संपत्ति को, जिसने उसे अवैध रूप से कब्जा किया था, हमने वापस की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने ये भी तय किया है कि अवैध रूप से अर्जित की गई पूरी संपत्ति पर गरीबों, महिला संरक्षण, दिव्यांगजनों, बिना माँ पिता के बच्चों और समाज के बाकी तबकों के लिए निर्माण कार्य कराया जाएगा। उनके लिए आवास और हॉस्पिटल बनेंगे, अच्छे स्कूल बनाए जाएंगे, अच्छे संस्थान खड़े होंगे। यूपी में माफिया मिट्टी में मिल चुका है और आगे माफियाओं को पनपने नहीं देंगे। ये हमारा संकल्प। सीएम योगी ने कहा कि पहले चरण में माफिया और अगले चरण में उसके गुर्दों की अर्जित की गई अवैध संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई होगी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।